नमस्कार, क्रोशिया के वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे ब्रेसलेट्स और चाबियों के गुच्छों के लिए कीचेन करना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरा कीचेन है, मोटा है, मोटी सुई के साथ और मोटे ऊन के साथ बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा मोटा है। ये नाजुक सा है क्योंकि ये ब्रेसलेट है, बिल्कुल लड़कियों के लिए गुलाबी रंग का बना हुआ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो है कीचेन वो थोड़े मोटे सुई के साथ बनाया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं आज आपको यही बनाना सिखाऊंगी कि इसको मैंने, ये पैटर्न मैंने कैसे बनाया। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैंने बिल्कुल एक सादी काट मार ली है और अब हम क्रोशिया करेंगे इस पर। तो दो टाके ले लिए मैंने और अब नीचे का हिस्से में डाल दिया मैंने और उसमें से एक टाका इस तरीके से ले लिया। ये देखिए, तो अब मेरी सुई में एक ही धागा है। तो यहाँ पे ये जो नीचे का धागा दिख रहा है आपको, उसमें मैं नीचे सुई डालूँगी और उसको इस तरीके से मोड़ के धागे में ले लूँगी। तो मेरे पास अभी सुई पे रहे हैं दो टाके, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर से मैंने एक टाका ले लिया और एक ही टाका रह गया। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है ये दिखेगा आपको। फिर से ये देखिए, अब मैं सुई को यहाँ पे दो जो है वो नीचे डालूँगी, जैसे मैंने पहले नीचे डाला था, और नीचे डाल के, और ये देखिए इस तरीके से ये मुड़ जाएगा और फिर ये धागा मैं यहाँ से ऐसे निकालूंगी तो फिर से सुई में दो धागे रह जाएंगे। फिर से लेने के बाद एक धागा रह जाएगा। अब फिर से ये दो नीचे, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें से मैंने अपनी सुई डाली और ये पलट कर फिर से मैंने एक धागा ले लिया और दो धागे आ गए। फिर से धागा ले लिया, एक धागा रह गया। अब नीचे फिर से देखिए, ये दो जो दिख रहे हैं उसमें से मैं सुई डालूंगी, फिर से धागा ले लूंगी और दो धागे, फिर से धागा ले लूंगी और एक धागा रह जाएगा। तो इस तरीके से मैं करती जाऊंगी। ये डालना है, ये पलट जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं वैसे ही। फिर से धागा ले लिया, दो रह गए। ये देखिए पीछे आगे एक पैटर्न उभर रहा है। फिर से मैं एक धागा लूँगी, इसमें एक धागा रह जाएगा। तो ये जब मैं करती हूँ धागा लेने के लिए तो ये पलट जाता है इस तरीके से। और आप जैसे देख रहे हैं, ये मैं करती जाऊँगी जब तक कीचेन इतना बड़ा नहीं बन जाता कि जैसा मुझे अपनी चाबियों के गुच्छों के लिए चाहिए। तो ये बहुत आसान है करना, जैसे आप क्या आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो इतना बड़ा बन गया है। अब मैं इसे यहाँ से काट दूँगी और फिर इसको निकाल के यहाँ से ऐसा थोड़ा तान कर अब ये लॉक हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये कीचेन किया है। लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी ये तरकीब तो, और हमारे दूसरे वीडियोस भी क्रोशिया के देखते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, ऐसे बहुत ही दिलचस्प वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद और अलविदा।